उत्तराखंड में 108 के पहिए एक बार फिर से लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाती है 108 आपातकालीन सेवा, लेकिन बजट का संकट है, अभाव है और एक बार फिर 108 संकट में है। 108 सेवा के प्रभारी अनिल शर्मा का कहना है कि पिछले कुछ समय से 108 आपातकालीन सेवा का शासन से बजट जारी नहीं हो पा रहा है, जिससे कि कभी भी 108 आपातकालीन सेवा पर संकट खड़ा हो सकता है। शासन को पत्र भेजकर जल्द ही बजट की मांग की जा चुकी है ताकि 108 जैसी आपातकालीन सेवाओं को सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके, लेकिन खबर सोचने पर मजबूर करने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड के मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके, जहां 108 आपातकालीन सेवा जीवनदायिनी से कम नहीं है। नहीं, हम शासन और विभाग स्तर पे बजट का इशू उठाते रहते हैं। हाँ, बीच में दिक्कत थी, लेकिन हमें आश्वासन मिला कि इस वीक में बजट की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। 9 महीने हो गए हमें सफलतापूर्वक चलाते हुए, लेकिन हमने बजट के कारण, चाहे तेल हो या कोई और इशू हो, उस पर कोई कमी नहीं आने दिया आज तक। सौरभ भाटिया जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सौरभ, एक बार फिर से 108 आपातकालीन सेवा बंद हो सकती है, क्योंकि कभी तेल नहीं होता, कभी मेंटेनेंस नहीं होती, कभी चलाने वाली कंपनी बदल दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया जाता है, लेकिन अब बजट नहीं मिल रहा है। देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से 108 के संचालन की बात की जा रही थी कि बेहतर तरीके से होगा, लेकिन वो बेहतर तरीके से संचालन हो नहीं पा रहा है। 108 के जो बजट होना था, वो बजट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। एनएचएम से इनको 90% बजट मिलता है, जबकि 10% जो स्टेट गवर्नमेंट इनको बजट देती है, लेकिन अभी तक जो है एनएचएम के द्वारा जो इनको बजट मिलना था, वो बजट नहीं मिल पाया, जिसके चलते लगातार इनके अधिकारी जो है वो स्वास्थ्य महानिदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, शासन के चक्कर काट रहे हैं, और लगातार जो आला अधिकारियों को अपनी परेशानी से अवगत भी करा रहे। 3 महीने से अमूल कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं मिली है, जिसके चलते जो है आपातकालीन सेवा जो है एक बार फिर ठप होती दिखाई दे रही है। लगातार जो अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन उस संपर्क साधने के बावजूद भी इनको बजट ना मिलना खुद जताता है कि आखिरकार अधिकारी कितनी बेहतर तरीके से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन कराना चाह रहे हैं। ये अपने आप में सवालिया निशान भी खड़ा करता है उन अधिकारियों की काबिलियत पर, जो कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जी पंकज, सौरभ, क्या आप ये बता पाएंगे कि मैदानी इलाका हो या गढ़वाल का इलाका हो या कुमाऊं का इलाका हो, मौजूदा वक्त में ये 108 आपातकालीन सेवा की कितनी गाड़ियां सड़क पर हैं जो सेवा दे रही हैं लोगों को? देखिए अभी 137 गाड़ियां जो है सड़कों पर है, लेकिन उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है, अगर जल्दी जो है बजट का भुगतान नहीं हुआ तो धीरे धीरे पहिया थमना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो इनका भुगतान है, जो तेल का भुगतान का पैसा है, वो कंपनियों तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते जो इनको तेल मिलना बंद हो जाएगा। जब तेल मिलना बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं गाड़ियों को ब्रेक लग सकता है। ऐसे में आला अधिकारियों को इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की जरूरत है, जिससे आपातकालीन सेवा बदस्तूर चलती रहे और लोगों को लाभ मिलता रहे। ये कहा जा रहा था कि जीवनदायिनी के तौर पर ये काम करती है 108, और पहले ही राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई, और दूसरी तरफ जो 108 जैसी सुविधा जो है अगर वो पटरी से उतर गई, वो ठप हो गई, तो लोगों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी नजर बनाए रखिएगा सौरभ, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।